हम लोगों का मांग है कि इस देश में शिक्षा एक समान होना चाहिए। जिस तरह सांसद विधायक अधिकारी का बच्चा पढ़ता है उसी तरह की शिक्षा वोट देने वाले के बच्चों को मिलना चाहिए। का बेटा या चपरासी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। पीएम का बेटा या किसान की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। मंत्री का बेटा या होमगार्ड की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। राष्ट्रपति का बेटा या चपरासी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। शिक्षा हो एक समान, शिक्षा हो एक समान। राष्ट्रपति का बेटा या चपरासी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। शिक्षा हो एक समान, शिक्षा हो एक समान। शिक्षा हो एक समान, शिक्षा हो एक समान। राष्ट्रपति का बेटा या चपरासी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। राष्ट्रपति का बेटा या चपरासी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। सांसद का बेटा या चपरासी की संतान, या चपरासी की संतान, सबकी शिक्षा हो एक समान। पीएम का बेटा हो या उनके ऑफिस में झाड़ू लगाने वाले की संतान, सबकी शिक्षा हो एक समान। एसपी का बेटा हो या होमगार्ड की संतान, सबकी शिक्षा हो एक समान। प्रधानमंत्री का बेटा हो या चपरासी की संतान, सबकी शिक्षा हो एक समान। हम आज नोएडा जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को हम लोग ज्ञापन दिए हैं। हम लोग 10 दिसंबर से माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र जयपुर गांव से चले हैं। हम लोगों का मांग है कि इस देश में शिक्षा एक समान होना चाहिए। जिस तरह सांसद विधायक अधिकारी का बच्चा पढ़ता है उसी तरह की शिक्षा वोट देने वाले के बच्चों को मिलना चाहिए। इस देश में कौन सी ऐसी व्यवस्था बन गई है कि सांसद विधायक वोट देने के बाद अपने बच्चों को विदेश पढ़ाते हैं और जो वोट देता है उसके बच्चे सिर्फ खिचड़ी वाले स्कूल में जाता है। जो सांसद विधायक को सारा सरकारी सुविधा चाहिए, उनको हवा चाहिए, पानी चाहिए, गाड़ी में तेल चाहिए, गाड़ी चाहिए, गनर चाहिए, ड्राइवर चाहिए, खाना बनाने वाला चाहिए, सफाई कर्मचारी चाहिए, बेटा खिलाने वाला, कुत्ता घुमाने वाला, उनको सरकारी सुविधा चाहिए। लेकिन बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेगा, सरकारी में सिर्फ वोट देने वाला का बच्चा पढ़ेगा, वो भी खिचड़ी के पैसे से। उस नेताओं का बच्चे का फीस भरा जाता है बड़े स्कूलों का। इस देश का कौन सी व्यवस्था जो खुद व्यवस्था को बनाता है उसको फॉलो नहीं करता है।